हेलो फ्रेंड्स, होप सभी आप ठीक होंगे। तो अभी जो नया वर्जन रिलीज़ किया हुआ है, तो उसके बाद में आपका जो भी पुराना वर्जन रहेगा उसमें कुछ फाइल्स डाउनलोड नहीं होगी, इंटरनेट की स्पीड नहीं आएगी, तो आपको कंपलसरी नया वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो वर्जन है 55। ठीक है, उस पर भी काम चालू है। अगर उसके बाद में भी नया वर्जन रिलीज़ करने का हुआ तो हम वो भी रिलीज़ करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ अपडेट में जाके डाउनलोड कर लेना रहेगा। तो मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूँ। तो पुराना वर्जन, जिसके बाद वर्जन 52 होगा, तो उसमें नई फाइल्स डाउनलोड नहीं होंगी। अगर डाउनलोड होती भी है तो काफ़ी कम स्पीड आएगी, जैसे 10 KBPS, 50 KBPS, 100 KBPS, बस इतना, क्योंकि उस पर सर्वर IP चेंज किया हुआ है इसकी वजह से। और मैंने डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पे डाउनलोड लिंक भेज दूँगा आपको मैं। तो पहले BMW, ये देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे डायगजॉन वर्जन 55। ओके, पहले उसके पहले ये डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरा BMW का सॉफ्टवेयर, और स्पीड भी नहीं आ रही थी डाउनलोड होने में। तो आपको कंपलसरी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप डाउनलोड करिए और इसको चालू करिए, तो स्पीड यहाँ पर आपको आने लगेगा। और इसी जगह पर आपको स्पीड बहुत ही कम रहती है, जैसे कि 10 KB, 15 KB। तो आपको कंपलसरी अपडेट करिए। आपके पास ऑलरेडी अपडेट है तो कोई इश्यू नहीं है, तो अभी छेड़ाखानी मत करिए उस चीज़ में, जब तक फाइनल वर्जन रिलीज़ ना हो तब तक। ठीक है, और दूसरी बात, जिनके पास सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है वो सॉफ्टवेयर में छेड़ाखानी ना करें, जिससे क्या फाइल मिसमैच होने का प्रॉब्लम रहेगा और आपको डिस अकॉर्डिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सीरियल नंबर का प्रॉब्लम आएगा। तो उससे बचने के लिए, और आपको अपडेट नहीं कराना है, तो सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़ाखानी ना करें और उसको इंटरनेट से कनेक्ट ना करें, तो आपका बराबर चलता रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी नए सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर वो कंप्लेन लिख के भेजिए, तो हम उसको नेक्स्ट अपडेट में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।